नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 और 11 जून की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये दोनों ही दिन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि चंद्र सूर्य ग्रहण का यशमय दिन होगा, जो कि प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐशो में हम जानेंगे कि इन दोनों में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, आपके जीवन काल पर क्या होगा, आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगी और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको बचने होंगे। जी दोस्तों, ऐशो में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन सूर्य ग्रहण के दौरान आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दोनों को और भी लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पहले जानते हैं इन दोनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 10 जून की बात करें सूर्य ग्रहण के दिन की, तो दोस्तों गुरुवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और रोहिणी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। जी दोस्तों, इस दिन सूर्य नाम का भी शुभ योग रहने वाले हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान यह योग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, विशेषकर आपके कार्य क्षेत्रों के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में बड़ा लाभ देखने को मिलेंगे। राहु काल का समय इस दिन रहेगा दोपहर के 2:06 से लेकर शाम के 3:37 तक। दोस्तों ध्यान रहे, आप राहु काल के समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को ना करें। चंद्रमा वृषभ राशि के उपरांत मिथुन राशि में संचार कर जाएंगे। वह दोस्तों सूर्य ग्रहण के बाद के दिन की बात करें अर्थात 11 जून की, तो दोस्तों इन दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, प्रतिपदा तिथि और मृषा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। गंडा नाम का शुभ योग इस दिन रहने वाले हैं। राहु काल का समय दिन सुबह के 10:46 से लेकर दोपहर के 12:26 रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि पर ही संचार करने वाले हैं पूरे दिन भर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और यदि यश में कोई विवाद चल रहा है या फिर चल रहा था तो उसके सुलझने के आसार बनेंगे। बुद्धि बल पर समस्याओं को नियंत्रण करने में बहुत हद तक सफल होंगे। घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। वहीं दोस्तों नेगेटिव की अगर बात करें तो धन की कमी महसूस होगी, धन का जो है आगमन और व्यय बहुत तेजी से होगा। दोस्तों यश में आर्थिक स्थिति अनियंत्रित रहेगा, कार्यों में बाधा आ सकती है, लेकिन दोस्तों धैर्य व संयम के साथ आप अपने कार्यों का पालन करें। दोस्तों यश में बच्चों को इस गोचर के दौरान जो है परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए सकारात्मक परिणाम भी देने वाले हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरने वाला भी समय होगा। आप जो दोस्तों अपने लक्ष्य को तेजी से और बढ़ाने की स्थिति में यश में रहें, केवल अपनी टीम या फिर अपने काम से जुड़े लोगों के साथ ही संवाद बनाए रखें। दोस्तों यश में ग्रह गोचर की स्थितियाँ संकेत कर रही हैं कि कुछ गलतफहमी या फिर बातचीत की कमी आपके काम के परिणाम को थोड़ा जो है प्रभावित कर सकता है। यश में आपको बातचीत में या फिर अपने शब्दों के चयन में जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है, जो लोग सेल्फ या फिर मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए जो है टारगेट का दबाव हो सकता है, बिजनेस के लिए जो दिन है अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों विशेष रूप से धन संबंधी मामलों के लिए यश में आपके लिए लाभ ही लाभ कराएगा। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य यश में पूरे होंगे, साथ ही दोस्तों करियर में प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे जिससे दोस्तों आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपके जीवन साथी को आपकी मदद से जो है कोई लाभ मिल सकता है, जिससे दोस्तों उन्हें तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही आपकी छवि भी यश में अच्छा हो जाएगा और आपकी छवि को भी यश में फायदा मिलेगा। वही दोस्तों यश में आप उन्हें कोई सुंदर सा उपहार भी भेंट करा सकते हैं। दोस्तों इससे आपको जो है लव लाइफ का जो जीवन है और भी बेहतरीन होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें यश में कोई प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है, सोच विचार करके ही रिश्तों को आगे बढ़ाएं, ये गणेश जी का सलाह है। वही दोस्तों यश में आपकी हेल्थ की बात करें तो आपको कब्ज या फिर एसिडिटी जैसी समस्या परेशान कर सकती है। दोस्तों इन दिनों में घटना दुर्घटना के योग हैं
गणेश जी ऐसा भी कहते हैं कि बच्चों को वाहन चलाते समय सावधानी रखना चाहिए। वही दोस्तों यश में आपको भाग्यशाली रंग रहेगा सिल्वर और आपका भाग्यशाली अंक रहेगा 2। दोस्तों ये जो समय है आप संतानों के साथ अधिक घनिष्ठता का अनुभव करेंगे और उनकी जो प्रवृत्तियों में रुचि लेंगे। कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। दोस्तों इसमें विद्यार्थी वर्ग के लिए समय पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। व्यापारियों को व्यापार में कलात्मक जो है लाभ मिलने की संभावना बन रही है, ऐसा गणेश जी कह रहे हैं। वही दोस्तों यश में आपकी धन को लेकर बात करें तो यश समय पे कार्यस्थल पर चीज़ें सुचारू रूप में चलेंगी। आप अपने हसमुख व्यक्तित्व से अपने मालिक को यश में प्रसन्न करेंगे। दोस्तों हिसाब किताब लगाने के लिए यह एक बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आप जितना भी काम करेंगे उसमें सतर्क, यथार्थवादी और निर्णायक रहेंगे। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपकी रोमांस अचानक कहीं खत्म होने वाली वासना की ओर बढ़ सकती है। दोस्तों यह समय प्रियजन आपके भावुक मूड को देखकर खुश होगा। यह घरेलू मामलों या फिर जिम्मेदारियों पर चर्चा करने का सही समय नहीं है। दोस्तों यह समय अपने दिल की सामग्री के लिए दिन का आनंद लें, गणेश जी ऐसा कहते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो समय है इस अवधि में आप बैंक स्टेटमेंट्स पर विचार करने के लिए जो समय है बहुत ही अच्छा रहेगा। आय बनाम व्यय के स्रोतों पर आप ध्यान दें, इससे जो है भविष्य के संदर्भ में आप अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन कर सकेंगे। दोस्तों यश में आप खुश होने के साथ ही स्वस्थ भी रहेंगे। भाग्य आपके पक्ष में यश में होगा। यदि आप काम या फिर खुशी के लिए यात्रा करते हैं तो दोस्तों बहुत सारी खुशियां यश में आपको हासिल होगी। उत्साहित रहते हुए आप यश में दूसरों को भी अपनी ओर प्रेरित करेंगे। दोस्तों यश में अपने बच्चों का प्रदर्शन आपको बहुत खुशी देगा। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों यश में बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। आपकी पीर का मूड जो है यश में ठीक नहीं रहेगा, इसलिए दोस्तों सोच समझकर कोई भी यश में आप काम करें। दोस्तों जो है साझेदार में संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होगा। दोस्तों यश में वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को भी वक्त देना आवश्यक होगा। यह बात यश में समझेंगे, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। दोस्तों यश में आपका जीवन साथी आपके सेहत के प्रति असंवेदनशील हो सकता है। दोस्तों यश में अगर संभव हो तो अपने घर में एक कुत्ता पालें, इससे जो है आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि घर के पूजा स्थल और तिजोरी में सदैव लाल कपड़ा बिछा कर रखें, और संध्या में आपकी पत्नी या फिर घर की कोई भी स्त्री नियम पूर्वक वहां पर 3 अगरबत्ती जलाकर अवश्य ही पूजा करें। जी दोस्तों, इनसे आपके जीवन में धन प्राप्ति की संभावना बढ़ेगी। तो दोस्तों यश में इन उपाय को आप जरूर करें। साथ ही दोस्तों घर में तुलसी का पौधा भी लगाकर वहां पर संध्या के समय रोजाना ही घी का भी दीपक जलाएं, इनसे दोस्तों माता लक्ष्मी का वास आपके घर में रहेगा। तो दोस्तों इन उपायों को आप यश में करें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यशाली रहने वाले हैं। और शादी दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।